24 घंटे बाद भी किसानों की आवाज सुनी ना गई। पुलिस और हुकूमती टीम से मुजाकिरात बिला नतीजा खत्म। किसानों का धरना दूसरे रोज में दाखिल। ठोकर नियाज बेग पर पड़ाओ, रात बसर करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल। मरकजी कोऑर्डिनेटर मलिक जुल्फिकार आवान कहते हैं 100 रोज तक खामोश रहे, अब माशी कत्ल बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों पर झूठे मुकदमा दर्ज करके ड्रामा धमकाया जा रहा है, जबकि वजीर आला खुद आकर मुतालिबात पूरी करने की यकीन दहानी कराएं। मुल्तान रोड से बरास्ता ठोकर नियाज बेग लाहौर ना आए। किसानों का एहतजाज, शहर का एंट्री प्वाइंट हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली रोड पर ही पार्क, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों का बुरा हाल। रिमांड खत्म, आज फिर बड़ी पेशी। आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब हुकाम शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। हुकूमत की किफायत शियारी मुहिम खतरे में पड़ गई। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने नई कीमती गाड़ियों की खरीदारी के लिए वजीर आला पंजाब से मंजूरी मांग ली। 8 करोड़ रुपए की लागत से 20 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें महकमा एंटी करप्शन के रिडार पर आ गईं। एंटी करप्शन ने एलडीए से मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड मांग लिया। हुकाम को 10 दिसंबर को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। बेसलीका लिबास, नाशाइस्ता गुफ्तगु, दुश्नाम तराजी, गैर महजब हरकत, सब कुछ बंद। मायूब अशारेबाजी, होश उड़ाने वाले रक्स, फजूल गोई, वाहियात जुगतबाजी पर भी पाबंदी। बेसरोपा मुकालमों, काबिले एतराज हरकतों सकनात का सख्त नोटिस। महकमे दाखिला ने थिएटर इंतजामिया को सख्त अहकाम जारी कर दिए। मॉनिटरिंग टीम को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की हिदायत। फहाशी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदाकार अमानत चंद और नवाज अंजुम का महकमे दाखिला के इकदाम का खैर मकदम। मैं दाखला अगर इसको सही करना चाहता है तो हम इनके साथ हैं, हम छाना बिछाना इनके साथ हैं। फनकारों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा, बड़े अच्छे फनकार हैं, सब फनकार मेरे से अच्छे हैं पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ा सा उसको जरा कैडे पे कर ले, लिमिट में कर ले। महकमा दाखला ने ये जो इकदाम उठाया ये बहुत अच्छा है, इससे इसको फरोग मिलेगा, स्टेज को अच्छा स्टेज होगा, फैमिली का रुझान दोबारा बनेगा। मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आ जाता नु अखियां डिग दिया, आपका जनाब असेंबली के अंदर इंतजार हो रहा है, बड़े दिन हो गए आप नहीं आए, जनाब असेंबली आपको याद कर रही है। आ जा तैनू अखियां उड़ीक दियां, हमजा शहबाज बड़े दिनों से नहीं आई, असेंबली याद करती है। फयाजुल हसन चौहान की हमजा शहबाज को असेंबली इजलास में आने की दावत। बोले जरदारी चाहते हैं, हुकूमत से नून लीग जैसा समझौता हो जाए, आपसे डील होगी ना ढील। अयान अली गवाही देने को तैयार है, जरदारी साहब परेशान हैं। हकीकत में वजीर आजम इमरान खान ने मिड टर्म इलेक्शन की कोई बात नहीं की। चोर लुटेरों के बाद भत्ताखोर भी शहर में सरगर्म। कैंट के इलाके में नामालूम अफराद ने ताजिर मोहम्मद अजीम के घर लाखों रुपए भत्ते की पर्चियां फेंक दीं। मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। तब्दीली आ गई, लाहौर में पहली बार खवातीन पुलिस एहलकारों के नाके लग गए। शहरियों की हिफाजत के लिए लेडीज पुलिस एहलकार चौकस। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 88 एहलकार तैनात। हर नाके पर 2 लेडी एहलकार मौजूद। चंद घंटों में खवातीन एहलकारों ने 872 खवातीन और गाड़ियों की चेकिंग कर डाली। पुलिस नाके और पेट्रोलिंग सब नाकाम। डाकुओं को शहर में फ्री हैंड मिल गया। काहना के इलाके में ज्वेलरी शॉप में दिन दिहाड़े डकैती, मोटरसाइकिल सवार डाकू लाखों रुपए मालियत के जेवरात लेकर बआसानी नौ दो गया। 11
शहरियों के जानो माल कहीं भी महफूज नहीं। सब्जाजार के इलाके में भी चोरी की वारदात। चोर मौका देखते ही दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले गया। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी में खवातीन वर्कर्स के लिए ऐसा इकदाम। विमेन डेवलपमेंट की जानिब से डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना कहती हैं, जिन खवातीन को बच्चों की फिक्र रहती है अब वो बेफिक्र होकर काम करेंगी। और गैर मुल्की रेसलर भी कदीम और नायाब गाड़ियों के गर्विदा निकले। रेसलर्स पोलो ग्राउंड में सजे विंटेज गाड़ियों का मेला देखने जा पहुंचे। टैनी आयरन का एक शहरी को उठाकर ताकत का भी मुजाहिरा।